Hello everyone, I welcome you all. So today we will learn what is a system, what is surrounding, what is boundary, and different types of systems and all. Okay, so before beginning, what is a thermodynamics? This is not relevant, just excluded. So what is a thermodynamics? Okay, first of all, we should know what is a thermodynamics. So thermodynamics is basically a science of energy transfer. Okay, main sabki matlab bataunga abhi. साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट, और इसकी क्या क्या इफेक्ट होती है किस पर, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम पर. सिस्टम भी क्या है वो भी मैं बताऊंगा, प्रॉपर्टीज क्या है सब मैं बताऊंगा. ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम पे ये इस एनर्जी ट्रांसफर के कारण क्या असर हुआ प्रॉपर्टीज पर, उसकी स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनामिक्स में. ठीक, एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बॉडी में, हम दो तरीके से सिर्फ हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बॉडी में. ठीक, या तो हम उस बॉडी को हीट कर दें या उस बॉडी के ऊपर कुछ काम कर दे. ठीक है, हीट को हम दिखाते हैं क्यू से, काम को हम दिखाते हैं डब्ल्यू से. जैसे कि अगर आप मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है. ठीक, आपने इसे एक गैस के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, इसके अंदर हीट जाएगी, ऑब्वियसली इसके अंदर हीट गई. ठीक है, तो हमने इसके पानी, इस पानी के अंदर हमने एनर्जी ट्रांसफर किया इन दी फॉर्म ऑफ हीट में. ठीक है, अब सेम मान लीजिए यही एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ओके, और आपने इसे धक्का दिया, तो क्या किया आपने, इसके ऊपर वर्क किया, है ना. कौन सा वर्क किया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब आप धक्का दिए तो ये कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना वर्क किया आपने, हाफ एम बी स्क्वायर. तो हमने फिर हमने इस बार भी इस कंटेनर में हमने वर्क किया, है ना, एनर्जी ट्रांसफर किया. ठीक है, तो एनर्जी हम दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और किसी भी तरीके से हम एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते. आप लोग प्रैक्टिकली भी अगर सोचेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कोई भी और तरीका नहीं है जिससे कि हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सके. ठीक है ना, तो जब हमने एनर्जी ट्रांसफर किया किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में, सिस्टम क्या मैं बताऊंगा अभी, है ना, एनर्जी ट्रांसफर किया तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आई. थर्मोडायनामिक्स में प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत सारी होती है, बट तीन प्रॉपर्टीज बेसिकली हम लेके चलते हैं, वो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. प्रॉपर्टीज का लेक्चर मैं आगे अपलोड कर दूंगा. ओके, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या क्या असर आया, है ना, उसकी स्टडी हम करते हैं किस पर, थर्मोडायनामिक्स में. तो एनर्जी ट्रांसफर करने के कारण इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कैसे बदल रहा है उसकी स्टडी होती है थर्मोडायनामिक्स में. ठीक है, ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, है ना, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट. ओके, सो मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है और माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है. दो तरीके से हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर सकते हैं, वन इन द माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से. ठीक है ना, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से और एक माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं. मान लीजिए आप हैं, ओके, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए. ठीक, वो रेस्टोरेंट की फूड क्वालिटी बहुत ही पुअर थी और जिसके कारण आपकी तबीयत जो है वो खराब हो गई और आपको फीवर आ गया 100 degrees Fahrenheit. ठीक है, तो आपने मेजर किया थर्मामीटर से और आपने देखा कि आपको 100 degrees Fahrenheit फीवर है. ओके, तो ये हो गई हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, कि हमने सीधा बिना अंदर की स्टडी की क्या प्रॉब्लम हुई हमारी बॉडी में, हमने सीधा बोल दिया 100 degrees Fahrenheit. ये हो गई हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या हुई, अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या हुई, अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कोई कीड़ा हो गया है, स्टडी की स्टमक की, आपका अल्ट्रासाउंड किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इस कारण से आपको 100 degrees Fahrenheit की फीवर आई हुई है, है ना. तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक स्टडी. ठीक है, तो हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक में हम पूरा अंदर का नहीं देखते, सिर्फ बाहर का देखते हैं. ओके, एंड माइक्रोस्कोपिक में हम अंदर की स्टडी करते हैं और तब बाहर का रिजल्ट बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ. जैसे कि आप ये कंटेनर देखेंगे तो इस कंटेनर में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, ये सारे जो हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं. ठीक है, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. मैंने इस कंटेनर के अंदर ये गैस पूरा भर दिया और मैंने बोला ये जो पूरा गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर पे जो प्रेशर लगा रहा है वो है 10 pascal का. लेट इट बी 10 pascal का प्रेशर लगा रहा है. तो ये कौन सी स्टडी हो गई, माइक्रोस्कोपिक स्टडी. ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होगी, अब हमने इस मॉलिक्यूल को देखा और बोला कि ये मॉलिक्यूल कितने वेलोसिटी से चल रहा है और कितने जोर से ये इस कंटेनर पर
मतलब टक्कर मार रहा है ना। उस तरह से हमने इस मॉलिक्यूल को देखा, हमने अरेक मॉलिक्यूल्स को देखा। प्रेशर क्या होता है, कितने जोर से मॉलिक्यूल्स कंटेनर्स पर टक्कर जो मारता है, हिट जो करता है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है ना। तो ये सारा जो हमने सब जब सबका सम अप किया, सब कितना प्रेशर लगा रहा है, तो हमें पता चला सबका कैलकुलेट करने के बाद तब हम बोल रहे हैं 10 पास्कल, तो वो हो गई हमारी माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। अगर हमने सिर्फ 10 पास्कल बोला बिना अंदर की स्टडी किए हुए, तो वो हो गई माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अगर हमने अंदर की भी स्टडी की तो वो हो गई माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है, समझ में आ गया। प्रेशर, व्हाट इज अ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है हमारा, व्हाट इज अ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 पास्कल मींस क्या हो गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, इसका फिजिकल मीनिंग हुआ अगर इस कंटेनर में से मैं लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 1 मीटर अगर मैं इस एरिया पे कंसंट्रेट करूं, अगर मैं इस एरिया पे कंसंट्रेट करूं, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 1 मीटर पर, ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला लाइन, ओके, इस पर अगर 1 न्यूटन का प्रेशर लग रहा है, 1 न्यूटन का सॉरी फोर्स लग रहा है, तो हम उसे बोलेंगे 1 पास्कल। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर, ये 1 मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया, ये 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है, तो एरिया कितना हो गया इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो एरिया क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर स्क्वायर वाला जो एरिया है, मान लीजिए पीछे भी अगर ये फैला हुआ है, ये कंटेनर पीछे भी फैला हुआ है ऐसे, ठीक है ना, तो ये हमारा इतना दूर का पोर्शन हो गया हमारा 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इस 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम उसे बोलेंगे 1 पास्कल, ठीक है ना। इसी अगर 1 मीटर वाले स्क्वायर एरिया पर, ठीक है ना, अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम इसे बोलेंगे 10 पास्कल, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है ना। तो हम बेसिकली करते क्या है, हम पूरा ये कंटेनर के अंदर कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं जो ये मॉलिक्यूल्स लगा रहा है, वो मान लीजिए हो गया 10, एक पूरे कंटेनर का एरिया मान लीजिए है 2, ओके, तो हमने इसे काटा, तो हम बोलेंगे 5 पास्कल का प्रेशर लग रहा है बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक में हम बोल देंगे 5 पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर सिंपल याद रखना है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। हम पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं जो सारे मॉलिक्यूल्स अलग से लगाते हैं, उसके बाद ये पूरे कंटेनर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो हमें प्रेशर मिल जाता है। जैसे जब मैंने बोला प्रेशर 10 पास्कल, इसका मतलब हमने बता दिया कि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर 10 न्यूटन लग रहा है, हमने 1 मीटर का बना दिया, तो सारे का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ये क्या होती है हमारी सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ठीक है। व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज अ सराउंडिंग एंड व्हाट इज अ बाउंड्री, ठीक है, ओके। मान लीजिए ये 5 बच्चे हैं, ठीक है, ये 5 बच्चे हैं, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ इन दोनों बच्चों पर है, आप सिर्फ इन दोनों बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, ओके। ये दोनों बच्चे क्लासरूम में मान लीजिए बैठे हुए हैं, और आपका ध्यान है कि सिर्फ ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका एकदम ध्यान नहीं है कि ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये 3 बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। तो जिस पर आपका ध्यान है, जिस पर आपका कंसंट्रेशन होता है ना, उसे हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। जिस पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जिस पर आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। तो ये सिस्टम और ये सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग को कुछ तो सेपरेट करता होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो ब्लैक कलर का मैंने जो लाइन बनाया है, वो क्या कर रहा है, एक तरीके से एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है कि इसके अंदर वाले सिस्टम और इसके बाहर वाले सराउंडिंग। तो जो बाउंड्री क्रिएट करता है, जो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसे हम कहते हैं बाउंड्री, ओके, समझ आ गई। तो सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री, सिंपल, समझ में आ गए। अब इसे हम थर्मोडायनामिक व्यू पॉइंट से और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है, ओके। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, सिस्टम मींस क्या, जिस पर हमारा कंसंट्रेशन रहता है, जिस पर हमें देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ओके। बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है, सराउंडिंग मतलब पेड़ पौधा नहीं होता है, ओके। मैं आपको बताऊंगा सराउंडिंग मींस एग्जैक्टली क्या होता है थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से।
अभी मान लीजिए सिस्टम, ये सिस्टम मैंने क्यों माना, क्योंकि मैंने इसके अंदर मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने पूरा गैस भर दिया, ठीक है, और मैं इस गैस की स्टडी करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि गैस की प्रेशर इस गैस की प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम कैसे बदल रही है, ठीक है, इस गैस की प्रॉपर्टीज कैसे बदल रही है, मुझे बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा सिस्टम, ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टम। उसके बाद बाहर की जो चीज़ है जिस पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं, वो क्या होता है, सराउंडिंग बोल सकते हैं और इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, ठीक। इन्वायरमेंट बोलना थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता, आप सराउंडिंग ही बोलिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है, आप उसे सराउंडिंग बोल सकते हैं। और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है चीज, वो कौन सी लाइन है, वो ये ग्रीन वाली लाइन है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। उस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ देखते हैं, इधर देखिए आप लोग, ये पिस्टन है हमारा, ये रेड वाला क्या है हमारा पिस्टन, ये हमारा स्टॉप्स लगा दिए, ब्लू वाले स्टॉप्स, स्टॉप्स क्या करता है पिस्टन को रोक कर रखता है, पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता, ठीक। हमने इसके अंदर पूरा गैस भर दिया और हमें इस गैस की स्टडी करनी है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की कैसी बदल रही है, अगर मैंने इसके अंदर हीट दिया या वर्क किया इसके ऊपर, वर्क बहुत तरह से हो सकती है, ठीक ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें पिस्टन को धक्का, इस कंटेनर को धक्का मारना पड़ेगा जैसे मैंने पहले बताया, और काइनेटिक एनर्जी नहीं, हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी मीन्स वर्क, है ना, तो हम बहुत तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए ये एक पिस्टन है, ओके, ये पिस्टन है, इसके अंदर हमने गैस भर दिया और हम इस गैस की स्टडी करना चाहते हैं कि हीट या वर्क देने से इसकी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैसे बदल रही है, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा सिस्टम, है ना, और बाहर ये क्या हो गया हमारा सराउंडिंग, ठीक है। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है वो कौन है, ये पिस्टन नहीं, पिस्टन ये जो मैंने जो ये जो येलो वाली लाइन दिखाई ना, ये है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, ठीक है ना। तो इस ये येलो वाली लाइन क्या हो गई हमारी, ये येलो वाली लाइन, ये येलो वाली लाइन हो गई हमारी बाउंड्री, ठीक है, तो येलो वाली लाइन हो गई मेरी बाउंड्री, ओके। तो इसे समझ गए, अब मैंने यहाँ चीज लिखा है, सिस्टम हमारा फिक्स्ड भी हो सकता है, मूव भी कर सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, ठीक। फिक्स्ड हो, फिक्स्ड भी होगा, अगर फिक्स्ड है तो मान लीजिए ऐसे, अगर मैं ऐसे लिखूं, बाउंड्री जो है हमारी, बाउंड्री फिक्स हो सकती है, मूव कर सकती है, ठीक। फिक्स है तो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, मूव भी कर रही है तो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूं। सिस्टम बाउंड्री फिक्स्ड, सिस्टम बाउंड्री फिक्स मतलब क्या होता है, इसे मैं आगे से अच्छे से देखूंगा तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। शुरू करने से पहले पहले मैंने आपको बताया था कि सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है वो सराउंडिंग हमारा पेड़ पौधा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ ये बॉडी है, इसके अंदर बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, बॉडी बी हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, जो इन दोनों कॉन्टैक्ट में लाएंगे, यहाँ से यहाँ हीट फ्लो होगा हमारा, ठीक, यहाँ से यहाँ हीट फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हम देखना चाह रहे हैं कि बॉडी ए की प्रॉपर्टीज कैसे बदल रही है, बॉडी ए की प्रॉपर्टीज कैसे बदल रही है, ठीक, इस बॉडी ए की प्रॉपर्टीज कैसे बदल रही है। हमें बॉडी बी से कोई भी मतलब नहीं है कि बॉडी बी में क्या क्या चेंजेस हो रही है, क्या क्या चेंजेस नहीं हो रही है। तो ये बॉडी ए क्या हो गया हमारा सिस्टम, बॉडी बी हो गया हमारा सराउंडिंग जिस पर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक, और सिस्टम और सराउंडिंग कौन से फिट कर रहा है, ये रेड वाला लाइन नहीं, ये ब्लू वाला लाइन, क्योंकि ये सिस्टम है और सिस्टम के बाहर ये ब्लू वाला लाइन है, तो ये है हमारा बाउंड्री, ओके। तो सराउंडिंग क्या होता है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग, जो भी सिस्टम के बाहर है, कुछ भी अगर बाउंड्री क्रिएट कर दिया मैंने, उससे जो भी सटा हुआ चीज है वो सारा सराउंडिंग हो गया, ठीक है। अब चलिए यहां मैं देखता हूं, अगर मेरा ध्यान, इस बार मैंने बोला कि मेरा ध्यान इस बॉडी बी पर है, मेरा ध्यान है बॉडी बी पर, ठीक, हमारा मेरा ध्यान बॉडी ए पर नहीं है, तो इस बार सिस्टम कौन हो गया हमारा, सिस्टम ए हो गया हमारा बॉडी बी, ये वाला बॉडी, सराउंडिंग क्या हो गया इसमें, ये वाला, ठीक, और बाउंड्री कौन हो गया, ये रेड वाली जो लाइन दिख रही है ये मेरी हो गई बाउंड्री, तो समझ गए। सो इन दिस केस, अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में सिस्टम बी इज सराउंडिंग टू सिस्टम ए, ओके, और इस केस में सिस्टम ए इज सराउंडिंग टू सिस्टम बी, समझ में आ गया, सिस्टम सराउंडिंग, तो ये होती है हमारे सिस्टम एंड सराउंडिंग की कॉन्सेप्ट जो हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, मैंने कहा था कि सिस्टम बाउंड्री फिक्स्ड हो सकती है, ठीक, इस फिक्स्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं, सिस्टम बाउंड्री फिक्स्ड मतलब क्या है,
ये मैंने एक कंटेनर लिया है, मान लीजिए आयरन का कंटेनर है, ये आयरन का बना हुआ है, ये पिस्टन है मेरा, ओके ये मेरा पिस्टन है ठीक। इसके अंदर हमने गैस भर दिया ठीक, और हमने इस पूरे गैस को क्या माना, हमने इस पूरे गैस को माना अपना सिस्टम, ये पूरा गैस है हमारा सिस्टम ठीक है। मतलब हम इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं कि इसकी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैसे बदल रही है अगर हम इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो ठीक है। बाउंड्री कौन सी बनाई हमने, बाउंड्री ये पीली वाली लाइन जो दिख रही है ये बाउंड्री है, तो इस केस में बाउंड्री हमारी फिक्स्ड है कि नहीं, क्योंकि पिस्टन को भी हमने ऊपर से स्टॉप करके रखा है, स्टॉप लगा करके, पिस्टन भी ऊपर नहीं जा सकता है हमारा, नीचे भी नहीं आ सकता है हमारा पिस्टन, है ना। तो बाउंड्री इस केस में फिक्स्ड है, बाउंड्री मूव कर रही है, नहीं बाउंड्री मूव नहीं कर रही है ठीक है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे पिस्टन हमारा फिक्स्ड है ओके। अब बाउंड्री मूव जब करती है तो क्या होता है, ये देखिए इस केस को अगर आप देखेंगे तो इस केस में ये हमारा सिस्टम है, ये गैस है ना, हमें इसकी स्टडी करनी है, ये गैस हमारा सिस्टम है। अब मान लीजिए मैंने ऊपर स्टॉप नहीं लगाया, मैंने कोई भी स्टॉप नहीं लगाया ठीक है, ये जो ब्लू वाला स्टॉप लगा हुआ था पहले वाले केस में, इस वाले केस में जो स्टॉप लगा हुआ था इस वाले केस में, वो स्टॉप मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सॉरी नहीं दिखा पा रहा हूं मैं, वो स्टॉप मैंने कुछ भी नहीं लगाया ठीक, मैंने स्टॉप्स को हटा दिया, तो क्या होगा, मान लीजिए पिस्टन ऊपर चला गया, गैस ने इसे धकेला और पिस्टन जो है वो हमारा ऊपर चला गया है ना, तो गैस अब हमारा कहां तक भर गया, पूरा यहां तक गैस भर गया हमारा है ना। तो क्या हुआ इस केस में, बाउंड्री एक्सपेंड की कि नहीं की, हाँ की, क्योंकि ये जो पीली वाली लाइन थी हमारी, ये हमारी बाउंड्री थी। अब क्या हुआ, बाउंड्री हमारा इतना बड़ा हो गया, ये पूरा हमारा बाउंड्री हो गया है ना। तो सिस्टम बाउंड्री इस केस में मूव किया, बट पहले वाले केस में सिस्टम बाउंड्री हमारा मूव नहीं किया था ठीक है ना। तो सिस्टम बाउंड्री फेस भी रह सकता है और सिस्टम बाउंड्री हमारा मूव भी कर सकता है ठीक है। सिस्टम क्या, हमें इसकी स्टडी करनी है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैसे बदल रहा है बाहर पे, अगर ये पिस्टन कॉम्प्रेस किया तो यहाँ पर जो हवा थी उसमें क्या प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज आया, उसकी टेम्परेचर कितनी बड़ी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ओके। सॉरी हमें सिर्फ अंदर से लेना देना है ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टम की टाइप्स, सिस्टम भी दो तीन तरह के होते हैं, सिस्टम दो तीन तरह की होती है ठीक है ना। तो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोग ये तीनों सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे ठीक। मैंने बताया सिस्टम क्या होता है, जिस पर हमारा कंसंट्रेशन रहता है ना। तो कंसंट्रेशन भी हमारा है तो भी वो तीन तरीके से हम कंसंट्रेट करते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहले मैं आता हूँ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग को इस वर्ड से ही पता लग रहा है, कंट्रोल मास मीन्स मास कंट्रोल रहता है, मास फिक्स रहता है ना। सिस्टम का मास मास जो है वो फिक्स रहता है ठीक है। तो मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर के हमने पूरा गैस भर दिया ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने पूरा ऐसे गैस भर दिया ठीक है, ये पूरा गैस भरा हुआ है सिस्टम कंटेनर के अंदर ठीक। और हमें स्टडी, हमने इसे सिस्टम माना, हमें इसकी स्टडी करनी है ठीक। हमने इसे सिस्टम मान लिया कि इसकी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैसे बदल रही है। तो ये पूरा मैंने पूरा बंद करके रखा हुआ है, कोई भी मास आना जाना नहीं कर सकता है, तो वो हो गया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है ठीक है, क्लोज सिस्टम में मास का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है ओके। नो मास ट्रांसफर, पहला बात, मास इज फिक्स। एक एक वर्ड का मैं मतलब बताऊंगा। एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब हम बाहर से इसके अंदर हीट दे सकते हैं और इसके ऊपर बाहर से हम वर्क भी कर सकते हैं। मैंने बताया था हीट एंड वर्क। देखिए एक और चीज, सिस्टम बाउंड्री है ये हमारी, कौन सी, ये ब्लू वाइन है। तो सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करने वाला जो एनर्जी है वो सिर्फ हीट और वर्क है, और किसी भी तरीके से हम सिस्टम में काम नहीं कर सकते। सिस्टम कैन इंटरैक्ट इन ओनली टू वेज, आदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अगर सिस्टम के अंदर आप कोई भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैपबुक में, तो आप सिर्फ दो तरीके से सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ कर सकते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज को आप बदल सकते हैं, आदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अदरवाइज सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं बदलती है ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ठीक है, तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं बदल, इक्विलिब्रियम मीन्स अगर मैं बोलूं कि अगर पर्टिकुलर स्टेंस की प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये है, तो ये नहीं बदलेगी जब तक आप बाहर से या तो हीट नहीं देंगे या बाहर से इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे ओके। तो सिस्टम कैन इंटरैक्ट इन ओनली टू वेज, आदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क ठीक है। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है हमारा, क्लोज सिस्टम वो है जिसमें मास आना जाना नहीं करता है बट एनर्जी आना जाना कर सकता है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड ठीक।
वॉल्यूम फिक्स्ड भी हो सकता है और चेंज भी कर सकता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमने इसके अंदर हीट दिया, आपने देखा कि बाउंड्री क्या हो सकती है हमारी, फिक्स भी हो सकती है और बाउंड्री हमारी मूव भी कर सकती है कि नहीं। तो इस केस में अगर मैंने बोलूं कि सिस्टम बाउंड्री हमारी फिक्स है, मतलब बाउंड्री मूव नहीं कर रही है, तो वॉल्यूम इसकी यही रहेगी जितनी अभी है। बट अगर मैं बोलूं कि मैंने इसके अंदर हीट दिया और मान लीजिए अगर ये बैलून होता तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होकर के ये इतना बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा एक्सपेंड होकर ये इतना बड़ा हो जाता, पूरा कवर हो जाता ये वाला पोर्शन हमारा एक्सपेंड होके इतना बड़ा हो जाता, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इस केस में फिक्स नहीं रहा, वॉल्यूम इस केस में चेंज कर गया, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में हमारा मास ट्रांसफर नहीं होता है, मास फिक्स होता है हमारा, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड भी हो सकता है और चेंज भी कर सकता है, ठीक है, एक्सपेंड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। मैंने एक और वर्ड यहाँ पर लिखा है, मास इज फिक्स्ड विद आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का मतलब मैं बताता हूँ कि मास इज फिक्स्ड विद आइडेंटिटी मतलब क्या होता है। क्लोज सिस्टम में ये मास इज फिक्स्ड विद आइडेंटिटी बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं बोलेंगे मास इज फिक्स्ड विद आइडेंटिटी, ओके, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा, हमारा क्लोज सिस्टम का इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा, ओके, ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अब इसको बताता हूँ आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, ओके। मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं, ओके, मान लीजिए क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक, ये सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, क्लासरूम है, और इस बच्चे का मास है मान लीजिए 10 kg, इस बच्चे का मास है 20 kg, इस बच्चे का मास है 30 kg, इस बच्चे का मास है 40 kg, इस बच्चे का मास है 50 kg, 60 kg एंड सो ऑन, ठीक है। सारे बच्चों का मास मैंने ले लिया, ठीक है, या इस पूरे क्लासरूम का मास जो है वो सारे इन बच्चों का मास का सम है, ठीक है ना, मतलब 10+20+30+40+50 एंड सो ऑन। और क्लासरूम में जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए टेबल बेंच चेयर कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जो मास जो पूरे क्लासरूम का है वो सिर्फ इन बच्चों का मिलाकर है, ठीक है। अब मैंने इस क्लासरूम को पूरा ब्लॉक कर दिया, ये पूरा क्लासरूम को मैंने बंद कर दिया, मैंने इस क्लासरूम को बंद कर दिया, ओके। बाहर मान लीजिए एक बच्चा है जिसका मास जो है वो है 10 kg का, जिसका मास है 10 kg का, जो इस लड़की का मास है वही उस लड़की का मास है। तो ये अभी तो क्लोज सिस्टम है, क्यों, क्योंकि मैं कोई भी बच्चों को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूं, तो अभी मैं बोलूंगा कि इसका मास फिक्स्ड है, ये एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि मास इंटरेक्शन हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं दरवाजा खोल दूं क्लासरूम का और ये बच्चा बाहर चले जाए, ठीक, और ये बच्चा अंदर आ जाए यहां पर, फिर मैं दरवाजा बंद कर दूं, तो क्या सिस्टम का मास बदला? नहीं, सिस्टम का मास नहीं बदला, है ना, क्योंकि 10 kg का बच्चा बाहर गया और 10 kg का बच्चा अंदर आया, तो सिस्टम का मास नहीं बदला। बट आइडेंटिटी बदल गई। आइडेंटिटी बदल गई मतलब क्या हो गया, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज यूनिक। सब लोग यूनिक होते हैं, है ना, सब अलग अलग होते हैं। अगर एक बच्चा आया तो वो कोई अलग प्रॉपर्टी लेके आया होगा, उसके अंदर कुछ अलग खूबी होगी, उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, अलग प्रॉपर्टी होगी, है ना, प्रॉपर्टी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी, है ना, तो वो डिफरेंट हो जाएगी जो बच्चा बाहर गया। तो इसलिए ये पूरे जो अंदर सिस्टम था उसकी क्या होगी, आइडेंटिटी बदल जाएगी, उसकी आइडेंटिटी जो होता है वो बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक अलग तरह का बच्चा अंदर आया, मास भले ही सेम रहा लेकिन वो अलग प्रॉपर्टी लेकर के आया। इसीलिए क्लोज सिस्टम में अगर मास ट्रांसफर हो गया और सेम मास अगर एंटर भी कर गया तो भी ये क्लोज सिस्टम नहीं होगा, तो भी हम इसे क्लोज सिस्टम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आइडेंटिटी बदल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं क्लोज सिस्टम में मास हमेशा फिक्स रहता है, मास का आना जाना नहीं होता है। अगर आना जाना होगा तो आइडेंटिटी बदल जाती है, भले ही मास फिक्स रह जाए बट आइडेंटिटी बदल जाती है। इसलिए एक क्लोज सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच मास इंट्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस, मास इज फिक्स्ड विद आइडेंटिटी, ओके, एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, एनर्जी को ट्रांसफर हम कर सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो हमारी चेंज भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मैंने बताया कि वॉल्यूम इसमें फिक्स भी हो सकती है, बताया था ना अभी, बोला ना मैंने कि वॉल्यूम चेंज भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है, ठीक है।
है ना। तो अगर मैंने ये पिस्टन के अंदर से पूरा गैस भर दिया है, अगर मैंने इस पूरे पिस्टन के अंदर गैस भर दिया है ठीक है ना, और मैं पिस्टन को मूव करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये दोनों स्टॉप्स लगाए हुए हैं, तो क्या हमारा पिस्टन ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड है। बट ये क्लोज सिस्टम है, हाँ इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि कोई मास बाहर से आ नहीं रहा है, अंदर से भी कोई मास बाहर जा नहीं रहा है, ठीक है ना। इट इज़ अ क्लोज सिस्टम विथ वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इसका हमारा फिक्स्ड है ठीक है। अब ये देखिए इस केस को देखेंगे तो क्या होगा, इस केस में वॉल्यूम हमारा चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही स्टॉप्स हटा दिया यहाँ से, तो क्या हुआ, पिस्टन हमारा एक्सपेंड कर गया। अगर मैं इसे सिस्टम मानूँ, इसे मैं सिस्टम मानूँ ओके, तो जैसे ही मैंने स्टॉप्स को हटाया तो पिस्टन हमारा एक्सपेंड कर गया, पिस्टन ऊपर चला गया और गैस जो है अब क्या हो गया, गैस पूरा इस कंटेनर को पूरा इसे भर लिया गैस ने, है ना। तो क्या हुआ इस केस में, वॉल्यूम तो बदल गया, पहले इतना वॉल्यूम था और अब हमारा इतना वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया हमारा। बट क्या ये क्लोज सिस्टम है? हाँ ये क्लोज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी मास आना जाना कर रहा है? नहीं, मास कोई भी आना जाना नहीं कर रहा है, सो इट इज़ अ क्लोज सिस्टम ठीक है। मास इज फिक्स्ड विथ आइडेंटिटी बट इट्स वॉल्यूम इज चेंजिंग, बट इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि बाउंड्री एक्सपेंड हो गया। जब वॉल्यूम तभी चेंज होगा जब बाउंड्री एक्सपेंड होगा, जब तक बाउंड्री एक्सपेंड नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं हो सकता है, है ना। तो बाउंड्री या तो एक्सपेंड करे या तो बाउंड्री कॉन्ट्रैक्ट करे, या एक्सपेंड करे या कॉन्ट्रैक्ट करे, तो हमारा क्या होगा, हमारा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ठीक है। तो क्लोज सिस्टम इतना ही। अब ओपन सिस्टम, व्हाट इज एन ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम क्या होता है हमारा ठीक, ओपन सिस्टम को हम बोलते हैं, ओपन सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम ठीक है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वॉल्यूम हमारा कंट्रोल रहता है, मीन्स वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं करता ठीक है। मतलब कि अगर मैं ये लूँ सेम कंटेनर के अंदर, अगर मैं मास भर दूँ सेम कंटेनर के अंदर, अगर मैं गैस भर दूँ ठीक है ना, तो ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया ठीक है, क्योंकि हमें इसकी स्टडी करनी है ठीक है। बट वॉल्यूम फिक्स रहेगी, मतलब इस कंटेनर, अब ये बाउंड्री जो है ये हमारा एक्सपेंड नहीं कर सकता है, ये बाउंड्री हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है ठीक है। मतलब कि बाउंड्री फिक्स्ड है, इसलिए हमारा बोलेंगे हमारा वॉल्यूम ओपन सिस्टम में फिक्स्ड है, बट मास बाहर भी आ सकता है, मास अंदर भी जा सकता है, तो इसलिए इसमें आइडेंटिटी की तो बात ही नहीं होती है ना, क्योंकि मास बाहर आ जाना कर सकता है, तो ऑब्वियसली सिस्टम की आइडेंटिटी बदलती जाएगी, बट वॉल्यूम फिक्स रखना है हमेशा, है ना। हमें मास ट्रांसफर की, अगर वॉल्यूम ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है तो हमें एक्सपेंड नहीं होने देना है, कुछ मास बाहर निकालना है ताकि इसका वॉल्यूम फिक्स रहे ठीक है। अभी मैं अच्छे से बताऊंगा कि ओपन सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से हम थर्मोडायनेमिक्स में इस ओपन सिस्टम को हम यूज़ करते हैं ठीक है। तो अभी ओपन सिस्टम में वॉल्यूम हमारा कंट्रोल रहता है, कोई भी मास ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है ना, हम हीट भी दे सकते हैं इसके ऊपर और हम इसके ऊपर वर्क भी दे सकते हैं। या ये सिस्टम मान लीजिए अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये एटमॉस्फेयर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो हीट बाहर भी जा सकता है ना। तो हीट इंट्रैक्शन हो गया, हीट बाहर जाना या अंदर आना, वर्क पिस्टन के वर्क जो है सिस्टम के द्वारा करना या सिस्टम के ऊपर वर्क करना, सब एनर्जी इंट्रैक्शन होता है ठीक है ना। सारे प्रोसेस में एनर्जी इंट्रैक्शन होता है, तो मास ट्रांसफर भी होता है इसमें, एनर्जी इंट्रैक्शन भी होता है इसमें, बट वॉल्यूम जो होता है वो हमारा चेंज नहीं करता है ठीक है। सेम ये केस को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर पूरा गैस भरा हुआ है ठीक है ना, तो इसके अंदर एनर्जी आ भी सकता है, एनर्जी बाहर जा भी सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क, बट हमारा वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करता है ना। मतलब हमें इसके अंदर से पूरे अच्छे तरीके से स्टॉप लगा कर रखना है ताकि हमारा वॉल्यूम जो है वो चेंज ना हो ठीक है। ओपन सिस्टम को और अच्छे तरीके से हम यहाँ एनालाइज करते हैं ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एयर कंप्रेसर है, तो एयर कंप्रेसर में क्या होता है, आप लोग देखते होंगे मास आता है यहाँ से, हवा इन होती है यहाँ से है ना, और मास यहाँ से बाहर जाता है, मास आउट होता है ना, तो मास इन एंड मास आउट ठीक है। ये हमारा मोटर होता है ना, जो कि कंप्रेसर को चलाता है। तो हमने क्या किया, इस कंप्रेसर में, कंप्रेसर के अंदर हमने ये कंट्रोल वॉल्यूम बनाया, मतलब हमने एक बाउंड्री कर्व बना दिया है ना। ये बाउंड्री, ये ब्लैक वाले जो लाइन दिख रही है ये है मेरी बाउंड्री, मान लीजिए ये पूरा इसे सटा हुआ है ठीक ना, ये व्हाइट वाला जो कवर है ना इसे आप लोग मत समझिएगा, ये पूरा हमने एक बाउंड्री बना दिया ठीक है, ये पूरा बाउंड्री बन गया। तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, हमारा सिस्टम ये हो गया ठीक है, ये पूरा हमारा सिस्टम हो गया और ये हमारा बाउंड्री हो गया ठीक है। मास अंदर भी आ रहा है और मास बाहर भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्लोज सिस्टम हो गया, सॉरी ये ओपन सिस्टम हो गया है ना। एनर्जी अगर हम मोटर नहीं भी चलाते तो भी मास बाहर आना जाना कर रहा है, तो भी ये ओपन सिस्टम,
मास इंटरेक्शन हुआ मीन्स ओपन सिस्टम, चाहे एनर्जी इंटरेक्शन हो या ना हो, ठीक है। मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्लोज सिस्टम, चाहे एनर्जी इंटरेक्शन हो या ना हो। तो सिर्फ मास का अंतर, अगर मास ट्रांसफर तो ओपन सिस्टम, मास नहीं ट्रांसफर तो वो क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना सीन। तो ये एयर कॉम्प्रेसर है, तो मास आ रहा है और मास बाहर जा रहा है, हमने इस सिस्टम को कंसिडर किया और हमने इसके बाहर बाउंड्री बना दी। तो ऑब्वियसली इस बाउंड्री की वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी मास या, क्योंकि एक तो ये जो है बहुत स्ट्रांग मेटल का बना हुआ है ना, स्ट्रांग मेटल का बना हुआ है। एंड सेकेंड, अगर ये स्ट्रांग मेटल का नहीं भी बना रहा था तो जितना मास आ रहा है उतना मास बाहर जा रहा है। अगर कुछ मास अंदर रह भी रहा है तो जगह है इसके अंदर रहने के लिए, ताकि वॉल्यूम एक्सपेंड ना कर सके। तो वॉल्यूम हमने फिक्स रखा, ठीक है। ओपन सिस्टम में हम कुछ अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, मीन्स अलग नोमेनक्लेचर, मतलब हम सिस्टम ना बोल के हम इसे बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। क्लोज सिस्टम में हम कंट्रोल मास बोलते हैं, लेकिन हम कंट्रोल मास नहीं बोलते, हम सिस्टम ही बोलते हैं। लेकिन हम ओपन सिस्टम में एक अलग तरह से बस हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। और ये जो बाउंड्री हमने बनाई है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेस, ठीक। तो ये हो गई हमारी कंट्रोल वॉल्यूम, और ये हो गई हमारी ब्लैक वाली लाइन, हमारी कंट्रोल सरफेस, और ब्लू वाली लाइन जो भी बन गई है, ठीक है। समझ में आ गया, हमने इसके ऊपर वर्क किया, हाँ एनर्जी ट्रांसफर किया, क्यों, क्योंकि मोटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी गई, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, वर्क हुआ एक, तो ये एक काम किया हमने इसके ऊपर, और मोटर ये ओपन सिस्टम हमारा चल रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते कि नहीं, हम इसे सिस्टम नहीं मानना चाहते थे, अगर आप इसे सिस्टम मानते, सिर्फ इतनी यहाँ पर अगर आप एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाते, एक छोटा सा इमेजिनरी आप अपने तरफ से एक बना दीजिए, और आप स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ से कितना मास आया, मतलब ऑब्वियसली मास तो सब जगह से क्रॉस करेगा, इंटर किया और यहाँ से कितना मास बाहर गया, तो आपका कंट्रोल वॉल्यूम कौन हो गया, ये वाला कंट्रोल वॉल्यूम हो गया आपका, ठीक। और आपका कंट्रोल सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला आपका कंट्रोल सरफेस हो गया, ठीक है। तो अब ये चेंज कर सकता है इसका वॉल्यूम, नहीं चेंज कर सकता है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर माना हुआ है एक इमेजिनरी, जहाँ से वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम जा रहा है। तो कंट्रोल वॉल्यूम जो होता है वो आप कहीं भी एक फिक्स्ड रीजन होता है स्पेस में, ठीक है ना, किसी भी एक फिक्स्ड रीजन होता है, कहाँ पर, स्पेस में। स्पेस मीन्स ब्रह्मांड नहीं, स्पेस मीन्स जहाँ पर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने इसके ऊपर इसके यहाँ से कवर कर लिया और आप बस देख रहे हैं मास गया, मास बाहर जा रहा है, कैसे एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक वर्क किया, तो ये हो गई हमारी ओपन सिस्टम, ठीक है ना। तो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है हमारी, आइसोलेटेड सिस्टम वो होती है जो जिसमें ना ही मास ट्रांसफर हो ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो, मतलब जैसे को तैसा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ना ही मास ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा उसमें, ठीक है। तो वो होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल कैसे देख सकते हैं हम लोग, यूनिवर्स, जो भी चीजें होती है एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, कौन सा एग्जांपल, यूनिवर्स। हम लोग के अर्थ के अंदर जो भी चीजें हो रही है, अगर आप यहां पर देखेंगे, हम लोग के अर्थ के अंदर जो भी चीजें होती है, ओके, वो सिर्फ अर्थ में ही रहती है, अर्थ के अंदर ही रहती है। यूनिवर्स को इंट्रैक्ट करता है, अगर मैं ब्रह्मांड को देखूं तो ब्रह्मांड से कोई भी एनर्जी नहीं अंदर जा रहा है, कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा रहा है, अगर ठीक, कोई भी मास नहीं आ रहा है, कोई भी मास नहीं जा रहा है, वो एस्ट्रॉइड वगैरह को अब सबको एक्सक्लूड कर दिया। यूनिवर्स नेवर इंट्रैक्ट विद द अर्थ, ये मानकर हम चलते हैं, क्योंकि बहुत कम इंट्रैक्शन होता है यूनिवर्स का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है हमारा वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। यूनिवर्स हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो यूनिवर्स वो है जो कि किसी भी चीज़ से, अगर यहाँ पर जुपिटर है, नेपट्यून है, प्लूटो है, कोई भी सेटेलाइट हो, उससे यूनिवर्स इंटरेक्ट नहीं करता है, है ना। तो यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम, नादर इन द, कोई मास इंट्रैक्शन भी नहीं होता है, कोई एनर्जी इंट्रैक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिवर्स इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसे और अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये सिस्टम है हमारा, ये सारा, ये अर्थ है, ये पूरे, ये जो बाउंड्री दिख रही है आप लोगों को, ये बाउंड्री ये अर्थ है हमारा, ठीक है। ये पूरा अर्थ है, ये जो बाउंड्री आप लोग दिख रही है, ये अर्थ है, मतलब ये पूरा अर्थ है, ठीक है ना। तो अर्थ के अंदर तो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, कोई हीट ले रहा है, कोई वर्क दे रहा है ना, ये इससे हीट ले रहा है, ओह सॉरी, ओके, सो ये हीट ले रहा है, ये मान लीजिए इससे हीट लिया, ये वर्क लिया, कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ भी टकरा रहा है, तो सारा यहाँ हो रहा है। क्या यूनिवर्स कुछ ले रहा है इन दोनों से, नहीं, इससे बाहर या अर्थ से बाहर कुछ जा रहा है यूनिवर्स में, नहीं जा रहा है, ठीक। यूनिवर्स से कुछ अर्थ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना,
कोई इनर्जी भी नहीं आ रही है, तो इसलिए यूनिवर्स क्या है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अर्थ और यूनिवर्स, ठीक है, तो यूनिवर्स को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज यूनिवर्स नेवर इंटरैक्ट विथ एनीथिंग। ठीक है, सो ये चीज़ें थी। अगर मैं इसे अच्छे तरीके से कंबाइन करना चाहूँ तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दूँ, एक समराइज कर दूँ। ओके, तो समराइज कर देता हूँ मैं इसे अच्छे से। हाँ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम, व्हाट इज एन ओपन सिस्टम, व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, बाउंड्री हमारी क्या होती है, फिक्स भी हो सकती है, मूव भी कर सकती है। ठीक है, क्लोज सिस्टम हमारी वो होती है जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है और मास फिक्स रहती है आइडेंटिटी के साथ, वॉल्यूम हमारा चेंज भी हो सकता है और वॉल्यूम हमारा फिक्स भी हो सकता है। ठीक है ना, सेकेंड चीज हमने क्या सीखा, हमने देखा कि ओपन सिस्टम में मास इंट्रैक्शन भी हमारा होता है और एनर्जी इंट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, उसमें एक अलग टर्म हम यूज करते हैं, सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम और हम बाउंड्री को बोलते हैं हम कंट्रोल सरफेस। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होती है जो किसी से इंटरेक्ट नहीं करती है। अगर आप रूम में बैठे हुए हैं, अगर आप किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, ना बाहर से एनर्जी आ रही है, ना मास जा रहा है, कुछ भी आना जाना नहीं हो रहा है, तो आप भी एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गए, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ भी आना जाना नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, दैट्स इट, थैंक यू।